हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी इलेक्टिव में किस प्रकार से आपके याद रखिएगा 9 फरवरी को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। अब सभी को अच्छी तरह से पता है कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास अपलोड किया था सब्जेक्टिव का। अगर अपने से कोई स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर देखिएगा यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव का। देखिए यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव का मैंने सेट नंबर 1 अपलोड किया था, जहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि कौन से पत्र पूछे जाएंगे, कौन सा निबंध लेखन पूछे जाएंगे, जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं। आज मैं ना आपको बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्या बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो यूं ही चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। 30 में से पूरा कन्फर्म कर लीजिए कि 30 मार्क्स आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आना चाहिए, सारा क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। दूसरी बात सर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होती है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का होता है, ये भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। मतलब 30 मार्क्स और इधर 6 क्वेश्चन होगा 2-2 मार्क्स का, 12 मार्क्स, 30 और 12 42 मार्क्स हमारे हाथों से यूं ही ना छूटे, ठीक है। और आज मैं आपके सामने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, ये पूरा बुक से डिपेंडेंट होगी। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगी उसमें आप लोगों का संप्रेषण से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि सर हमारे पेपर में जो संप्रेषण का क्वेश्चन होगी ना वो 5 मार्क्स का आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, ये जो संप्रेषण होती है ना, ये सारा स्टूडेंट नहीं बना पाते। सोचिए कि अगर 100% स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको संप्रेषण के बारे में पता है। अब संप्रेषण क्या होती है, कैसे लिखना होता है, तो समझिएगा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बस इतना ही रहेगा और आपसे कहेगा कि इस सेंटेंस का संप्रेषण व्याख्या करें, बस ऐसा ही क्वेश्चन होगी। क्या आप बताइए, अगर मैं आंसर ना दिखाऊं तो क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कुछ लिख पाएंगे? अगर लिख पाएंगे तो पता है, सोच लीजिए कि आपको संप्रेषण के बारे में आता है। और ये 1-2 मार्क्स का नहीं, 3 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का नहीं, 5-5 मार्क्स का पूछेगी। 2 होगी जिसमें से एक आपको लिखना होगा संप्रेषण के बारे में। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से संप्रेषण के बारे में। मैं चाह रहा हूं ना एग्जाम से 2-4 क्वेश्चन संप्रेषण से रिलेटेड मैं बता दूं जो फुल्ली सिलेक्टेड होती है। कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हो, एक बार जरूर कॉमेंट सेशन खुला हुआ है, कॉमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हमको पढ़ना है रथ धरा मासूम गला, हाड़ भर सब संख, धनी सारस होई रे मुई आई समेटू पंख। ये हम लोग का संप्रेषण, और इसके बारे में ना हमको व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। सबसे पहले हमको लिखना है परसेंग। क्या लिखना है? परसेंग लिखना है, परसेंग याद रखिएगा। क्या लिखना है परसेंग में, समझिएगा ये कहां से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, इसे कौन से कविता से लिए गए, बस संप्रेषण में प्रेसेंग में आपको इतना ही लिखना है। बाकी जो भी लिखना है आपको व्याख्या में लिखना है, और जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको भी इसी तरह से लिखना होगा, समझिएगा। इस पद में बिरहिणी नायिका की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बिरहिणी जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिएगा। यह पद्मावत प्रबंधकाय के महाबरमहसा आंसर के अंतर्गत संकलित है। इसमें राइटर का नाम नहीं दिया गया, राइटर का नाम भी आपको मेंशन करना होगा प्रेसेंग में। जैसे यहाँ पे प्रेसेंग है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना प्रेसेंग, इसमें राइटर का नाम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पद में बिरहिणी नायक की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह पद पद्मावत प्रबंध के महाबरमहसा शीर्ष के अंतर्गत संकलित है। लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है व्याख्या, एक लाइन छोड़कर लिखना है आपको व्याख्या। व्याख्या क्या कहना है, कवि क्या कहना चाहते हैं इन 2 स्टेटमेंट के बारे में, वो आपको व्याख्या में लिखना है, ठीक है, समझिएगा। कवि कहता है कि पूस के महीने में इतनी सर्दी पड़ रही है। आप सभी को पता है कि पूस का महीना होता है ना ठंड, ठंड से काफी ज्यादा ऊपर हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ 10 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है। तो कवि कहता है कि पूस के महीने में इतनी सर्दी पड़ रही है, मानो लग रहा है खून सूख गया है, मानो हमको हमारे बॉडी पे लग रहा है खून सूख रहा है, ठीक है, या खून सूख गया है, मांस गल गया है। और जो हमारे शरीर का जो मांस है गल गया है, मेरा नहीं गला है जी, मैं तो अभी तंदुरुस्त हूँ, ठीक है। गलेगा जब हम लोग, जब हमारे शमशान घाट पहुंच जाएंगे तब हमारी सब चीज गल जाएगी, मांस गल गया है, हड्डियां संग समान पतली होती है। जो हम लोग शाम के समय जो बजाते हैं ना शंख, वो हमारे हड्डियां शंख के समान पतली हो गई है। सारस की पत्नी चीख चीख कर कह रही है, जो सारस है उसके पत्नी चीख चीख कर कह रही है कि मैं मरी जा रही हूं। क्या कह रही है कि मैं
मरी जा रही हूँ, आकर मेरे पंख समेट लो, और मैं मरी जा रही हूँ, मेरे आकर मेरे पंख को समेट लो। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं सर संप्रेषण। क्वेश्चन 5 मार्क्स के बाबू, यूं ही छोड़ कर ना आना है। सौंदर्य लिखना है, 3 सेंटेंस में ध्यान देना पड़े। प्रसंग लिखना है, प्रसंग में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ये कहां से लिए गए हैं, इसका राइटर कौन है, इसमें क्या बताया गया, बस। इसके बाद इस सेंटेंस के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उसको व्याख्या में लिखना है। उसके बाद सौंदर्य बोध में क्या लिखना है इसको समझिएगा। कवि ने इस पद में बिरहनी की प्रिया की विरह दशा का भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग उचित रूप में किया गया है। वियोगिनी नायिका अपने कथा चकवी और कोयल के द्वारा प्रदर्शित कर रही है। यह है सर हम लोग का संप्रसंग का क्वेश्चन। संप्रसंग से रिलेटेड कभी ऐसा क्वेश्चन आएगी तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। मैं अभी एक बताया हूं, मैं इस तरह से 4 तैयार किया हूं, और हमें उम्मीद है कि इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। और मैं आशा करता हूं कि अगर सही तरीके से लिखने की हैबिट डालते हैं तो आप नहीं तो कम से कम 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, हमारे एप्लीकेशन पे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है। टेस्ट सीरीज में आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ये ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग घर पे बैठे तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि मेरे बहुत तैयारी हो गया है, कुछ स्टूडेंट को लगता है ना मुझे कुछ तैयारी नहीं हुआ है, तो ये ना आप यहाँ पे जाकर जांच कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहा है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बनाया तो हूं पर गलत हो गया है, सारा चीज ना आपको यहाँ पे दिखेगी मेरे दोस्त। याद रखिएगा, जिसका फी ओनली फॉर 99 रुपया है, एक सेट में आपको एक सब्जेक्ट में, याद रखिए क्या, एक सब्जेक्ट में आपको कितना मिलेगी तो बताएंगे सर, एक सब्जेक्ट में आपको 4 या 5, मैं मान के चलता हूं 5 प्लस होगी, मैं 5 की बात कर रहा हूं, तो एक टेस्ट सीरीज का 4 रुपया प्राइस है, कितना 4 रुपया, तो 25 टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्यों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, तो बताएंगे सर 99 रुपया में आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए, जहां पे आप टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। इस टेस्ट को जब आप लगाएंगे ना तो आपको लगेगा मैं ऐसा ही फाइनल एग्जाम में बैठूंगा तो ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी, एकदम 2 कॉपी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन तैयार किए गए हैं हमारे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल द्वारा, जो बेहतरीन तरीके से पूरा करेक्शन करने के बाद ये आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और जो ज्वाइन कर लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ये झारखंड में पहली बार हो रहा है, आज तक ये कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये नहीं प्रोवाइड किया है, ये झारखंड में पहली बार हो रहा है जहां बच्चे अपने आप को जांच सकते हैं एग्जाम हॉल से पहले कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ गई, जैसे डॉक्टर हाजरी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना, देखिए जो जो प्रसिद्ध जो हम लोगों का कवि है ना, कवि पोएट्री, उसको आपको याद रखना है, जैसे हाजरी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, और उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा सर सचिनंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा जी, तो देखिए इनका लिखना है कि अशोक के फूल और आलोक का पर्व, यहाँ भरगुदूत और लिखना हरी घास पक्ष, याद रखिएगा अगर 2 मार्क्स आते हैं ना तो 2-3 राइटर है पोएट्री है जिसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। याद रखिएगा, जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर को आग लगाई थी, भैरव ने ही सूरदास के घर को आग लगा दी थी, इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा ली थी, और इसी के साथ जो सूरदास की जो पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो मेहनत थी ना, वो पूंजी को है उन्होंने पूरा बटवा वगैरह सबको चुरा कर ले आए थे। उसके बाद कहता है कि यह जमा पूंजी 500 से अधिक रुपया थी। अब हम लोग किसी के पास देखते हैं ना पैसा तो हमारा लालच पैदा हो जाती है और हम लोग सोचते हैं इसको कब मार दूं, इसको कब यहाँ से इस दुनिया से सफा कर दूं, सफाचट कर दूं और ये पैसा मेरा हो जाएगी, ये धन दौलत मेरा हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जगधर जानता था कि ये इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो जाती है। भैरव ये बात को जानता था कि जो जगधर है ना, जगधर भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई, जो जगधर है वो कहते थे भैरव के जिंदगी में जितना भी कठिनाई थी इस पैसे के माध्यम से वो दूर कर सकते हैं। आगे कहता है कि भैरव की चांदी होते होते देख जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा।
ये सर एकदम सिंपल सा भाषा में लिखना है। एग्जाम में जितना हो सके अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर क्यों ना दे रहे हैं, अपने अपने लैंग्वेज में। जब आप अपने लैंग्वेज लिखेंगे आप हैंड रिटन बेटर होगी ना, तो लिखने में मजा कुछ और ही होगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी जाके देखिए आप जैक बोर्ड, वहां पे देखिए क्वेश्चन पहले ही छप चुका है आपके फाइनल एग्जाम में, जब एग्जाम देने वाले हैं ना 7 तारीख को, सॉरी आपका हाँ 9 फरवरी को आप लोग जो एग्जाम देने वाले, उस दिन वो एक क्वेश्चन छप चुका है, देख लीजिएगा। कोया किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है। कोया जिस तरह से मैं लिखा हूं पॉइंट टू पॉइंट, आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। अगर सही मार्क्स लिखने का तरीका एग्जामिनर चेक करता है, हाँ मेरे सिरनियों लिखने का तरीका जो है ना एग्जामिनर चेक करते हैं कि बंदे एक्चुअली लिख कैसे रहे। ऐसा तो नहीं है कि पूरा रट्टा लगा लिया वो पूरा लिखते चले जा रहे, ऐसा तो नहीं है ना, समझिएगा। कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। कोया के प्रकार का ना, जिस तरह से हम लोग कमल फूल को देखते हैं पानी में उगता हुआ, ठीक इसी तरह से कोया जो है ना पानी में उत्पन्न होने वाला एक पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोका वैली भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था कि कोया को और किन किन नामों से जानते हैं, पता है कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2-2 मार्क्स का। सोचिए अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर लिखेंगे कैसे, क्या कहता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग। पहला बोलते हैं सर कुमुद तथा कोका वैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। पहला विशेषता, कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। कोया क्या होती है ना कि कहीं गड्ढा अगर हो गया और उस गड्ढे में अगर पानी है तो वहां पे भी ना ये कोया उत्पन्न हो जाती है, उग जाती है। इसके पहले विशेषता है। दूसरा है, यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। कोया एक ऐसा पुष्प है जो भारत के अधिकतर भागों में ये पाई जाती है। अगला देखते हैं सर, इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली है। और जो कोया होता है ना, इसका जो सुगंध होती है, सुगंध इतना खूबसूरत होती है, लगता है एकदम गुलाब फूल की तरह। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शरद ऋतु की चांदनी में, तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोया की पत्तियों के समान लगती है। जब शरद ऋतु, जब ठंडी के दिन आती है ना, तो कि चांदनी में, चांदनी मतलब चांद, चांद के तालाबों में जो जो भी परछाई बनती है वो कोया के पत्तों की तरह हमें नजर आता है। इस तरह से आपको कोया के बारे में विशेषता लिखना होगा। क्या डाउट है इस क्वेश्चन पे, एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन इसमें डाउट है, डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है। और ये क्वेश्चन ना जाके देखिए जैक बोर्ड के वेबसाइट पे, ये क्वेश्चन पहले आप लोगों का छप चुका है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों का मैं सेट 1 प्रोवाइड किया हूँ, किसके बारे में, सब्जेक्टिव के बारे में। और बाकी रहा ऑब्जेक्टिव का, बात रही सर ऑब्जेक्टिव का एग्जाम से 2-3 दिन पहले तबड़तोड़ क्लास चलेगी। क्या तबड़तोड़ क्लास चलेगी मेरे सर सरनियों, वहां पे मैं जबरदस्त क्लास लूंगा, 2 क्लास होगी, पूरे बुक को समाप्त कर दूंगा। और वादा करता हूं मेरे दोस्त, अगर सही से अगर उस क्लास को अटेंड किए हैं, ऑनेस्टी पूर्वक करेंगे, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन 30 में से बाहर नहीं आएगी। बस मेहनत कर रहे हैं, लगा हुआ है, हमारे पूरे टीम लगी हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना भी हमारे टीम को तारीफ करूं बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। मेरा काम क्या होता है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना होता है और समझाना होता है और क्वेश्चन कलेक्ट करना होता है, बाकी सारा टाइपिंग करना, क्वेश्चन को कैसे इंक्लूड करें, मतलब बहुत परेशानी होती है उन लोगों का। ठीक है, मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे टीम का साथ सपोर्ट है। और हमारे टीम के साथ ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सभी को मिलकर झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना है। ठीक है, चलिए सर, झारखंड के गरीब से गरीब बच्चों को हमें पढ़ाना है। जो बच्चे 300 रुपया 400 रुपया ट्यूशन फी, कोचिंग फी नहीं दे पाते हैं, बुक खरीद नहीं पाते, उनको इनवाइट कीजिएगा मिसल क्लासेस के छोटा सा परिवार में। बता दीजिएगा उन लोगों को कि 30-35 रुपया के बीच में पर मंथ आप बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर, धरती गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, समझिएगा। धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है, जो धरती का वातावरण है, धरती का वातावरण समझ में आ रहा है, एनवायरमेंट इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल, मनुष्य को पता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उत्पन्न होगी हमारी धरती में, तो वो हमारे वातावरण को गंदगी फैलाएगी और इस गंदगी से तरह तरह की बीमारियां होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहा है मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने से हानिकारक गैसें वातावरण को गर्म कर रही है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी से निकलने वाले धुआं, चिमनियों से निकलने वाले धुआं। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। अगर मैं सबसे ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है ना, तो वो कहाँ पर हुआ है, तो बताएंगे सर यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका कंट्री में हुआ है।
लेकिन अमेरिका और यूरोप इस बात को नहीं मानते हैं कि फैक्ट्री बस आने से हमारी एनवायरनमेंट क्या होती है, गर्म होती है। आगे देखते हैं, इन देशों में रोज नए नए प्रयोग से हानिकारक गैस का वातावरण को दूषित कर रही है। इस तरह से आपको लिखना है और 3 मार्क्स चुपचाप से लेकर घर लौट जाना है, क्या घर लौट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूं और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा ना। चलिए समझ में आ रहा है तो बताइएगा। मैं हैशटैग अभी 2 लेकर आया हूं, हैशटैग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं 3 भी लेकर आऊंगा, एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन में डील कर दूंगा। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है? वाह वाह क्या बात है, पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई, मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम नहीं करना है। याद रखिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वह सबसे बड़ा गधा है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखिए, ठीक है। जब भी कोई लड़की अपने बाल को गिराए, बस समझ ना बोलोगे मेरे पास बोल दीजिएगा, आई हैव नॉट इनफ टाइम, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बोलिएगा मुझे जीवन में बहुत सारा कुछ करना है, ठीक है। और लड़की लोग को भी कहते हैं, कोई अगर लड़का आपको चांस दे रहे हैं ना, सोच जाइए कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, वो लड़का सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल लड़का, याद रखिएगा, जो सफलता की दहलीज पर कदम रखते हैं या तो जो सफलता हो जाते हैं ना, वो कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं। गर्ल्स लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सर, पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानताएं और असमानताएं दोनों है। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानता और असमानता दोनों पाए जाते हैं। क्या है, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई पर से गिर अगर आदमी जोखिम हो जाती है, जिस तरह से पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं, अगर पहाड़ों में चढ़ने के बाद जब हम लोग गिर जाते हैं ना, तो हमारे शरीर जो है ना जोखिम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रेम की चढ़ाई में असफल होने पर जीवन दुखमय हो जाता है, और कोई व्यक्ति किसी लड़की को या किसी लड़का को कोई धोखा दे दिया है तो उसका जीवन भी सोचे कि वह पहाड़ से ही गिर चुका है, ठीक है। इसलिए ट्रस्ट कीजिए खुद के पर, दुनिया में कोई अपने सिवाय दुनिया में कोई भी विश्वासहीन नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम की एक पक्षी हुआ तो अंत सुखद नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेम उपपक्षी अर्थात युगल जोड़ी के आपसी सामंजस्य से जीवन आसान और सुखद हो जाता है। और कहता है कि लव के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छी तरह से प्रेम भाव करते हैं, दोनों तरफ से विश्वसनीय होती है, तो यह प्रेम भी ना एक पहाड़ की चढ़ाई के बराबर हासिल कर सकती है। आदि कहते हैं कि आप दोनों प्रेमी युगल परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा अभी हम लोग देखते हैं ना 12th फेल मूवी में, क्या नाम है उसका, सूरज, पता नहीं क्या नाम है इस पर हीरो का और हीरोइन का भी पता नहीं है नाम, ठीक है। तो किस तरह से उन लोग दोनों ने कॉम्बिनेशन करके दोनों ने आईपीएस आईएएस का पद ग्रहण किए थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सुख दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं। अगर मेरा दुख आया तो आप सुख मेरे लिए मदद करेंगे, और आपका अगर दुख आया तो मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक अगर गिरता है तो दूसरा उसे सहर्ष संभाल लेता है। इस तरह प्रेम की चढ़ाई पर्वतों की चढ़ाई से अलग भी हुआ है, मतलब जिस तरह से प्रेम की चढ़ाई और पहाड़ की चढ़ाई में असमानता था, इस तरह से एक समानता भी है, ठीक है। तो यह है सर हम लोगों का क्वेश्चन, जो बेहतरीन तरीके से हम लोगों को अगर पेपर में आ जाए तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आगे और भी है पर आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, कितना मार्क्स का, 3 ही मार्क्स का आएगा, और आपको लिखना भी होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, मेरे बात को समझ लीजिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा एक बात समझिएगा। ये जो मैं हैशटैग करके मैं जो वीडियो क्लास आप लोगों को 2 प्रोवाइड किया हूँ ना, क्या आप लोग चाहते हैं सर निबंध लेखन, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स का ना आपके पेपर में निबंध लेखन आएगा, कितना 5 मार्क्स का आपके पेपर में निबंध लिखना आएगी। और हम मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे तरफ से तो मैं नहीं चाहूँगा कि 5 मार्क्स आपके हाथों से यूं ही चला जाए। जैसे कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नारी शक्ति क्या है, नारी हिंसा क्या है, मैंने बताया था। प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको निबंध तैयार करना है, और निबंध कम से कम आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि निबंध सेक्शन का भी एक क्लास में दूं, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको तो समझ में आ जाए ना कि किस बेस पे लिखना है। क्योंकि निबंध लिखना में, निबंध का लिखना का मतलब यह नहीं कि गाय पर लेख लिखे, स्कूल पर लेख लिखे, उस जमाना खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, कहाँ निष्कर्ष लिखना है, कहाँ परिचय लिखना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। निबंध लेखन से संबंधित अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई से स्टूडेंट्स है जो अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑनलाइन टेस्ट को नहीं लगाए हैं, तो जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट लगाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में जबरदस्त रहें।